वैसे मुझे एक बात नहीं समझ में आई इंस्पेक्टर साहब, आप परी के बारे में पूछताछ करने के लिए हमारे घर में क्या कर रहे हैं? आपको तो इन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि परी अगर गुम हुई है तो इनकी लापरवाही की वजह से हुई है, इनकी पत्नी की लापरवाही की वजह से हुई है। बहुत आराम से उन्होंने हमें सफाई दे दी कि पता नहीं बच्ची कहां गुम हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। वाह, बच्ची नहीं हो गई, कागज का टुकड़ा हो गया, हवा में उड़ गया। इनसे पूछिए। इसमें नंदिनी की कोई गलती नहीं है। ये तुम और तुम्हारा परिवार मान सकता है प्रिंस, हम नहीं। और हां इंस्पेक्टर साहब, मुझे जल्द से जल्द मेरी भांजी चाहिए। मासूम जान है वो, मेरी दीदी की निशानी है वो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब कुछ भी नहीं। आपको कोई भी मदद चाहिए, उसका मामा देगा। मैं जिंदा हूं इंस्पेक्टर साहब, कैसी भी मदद चाहिए मैं आगे खड़ा हूं, आप मुझसे पूछें। मैं अपनी भांजी का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जाइए इंस्पेक्टर साहब, जल्द से जल्द पता लगाइए और हमें बताइए। थैंक यू मिस्टर आर्यन, जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। चलते हैं। आज तो साईनाथ महाराज ने हमें बचा लिया। मेरी तो जान सूख गई थी ये सोचकर कि अगर परी रो पड़ती और ये लोग उसकी आवाज सुनते तो पता नहीं क्या हो जाता। परी के रोने की आवाज पुलिस वाले तब सुनते हैं जब परी इस घर में होती है। मतलब परी कहाँ है? मतलब ये कि मैंने परी को आया के साथ पिछले दरवाजे से इस घर से बाहर निकाल दिया। तभी तो मैं फैक्स के बहाने से अंदर गया था। और याद रहे दादी, मैं अपना बना बनाया खेल इस बार किसी को बिगाड़ने नहीं दूंगा। अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं और आप चाहते हैं।